अगर हमें GoPro को एक्सटर्नल माइक लगाना है फॉर कैप्चरिंग ऑडियो, तो इसमें डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है 3.5mm जैक या ब्लूटूथ माइक्रोफोन लगाने के लिए। तो अगर हमें मोटो वीलॉगिंग करनी है या हमें वीलॉगिंग करनी है, तो हमें चाहिए एक्सटर्नल माइक जिससे कि हम एक बेटर वॉइस कैप्चर कर पाए। उसके लिए GoPro से आता है मीडिया मोड। तो दोस्तों, ये है मीडिया मोड बाय GoPro। दिस इज़ फॉर GoPro Hero 8 Black। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, और उसके इसके जो मीडिया मोड के फीचर्स अंडरस्टैंड करेंगे हम। उसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ वॉइस सैम्पल, जिसमें कि फर्स्ट रहेगा डायरेक्टली फ्रॉम GoPro इनबिल्ट माइक, सेकंड हम मीडिया मोड लगाएंगे उसका डायरेक्शनल माइक, और थर्ड जो सैम्पल रहेगा जिसमें मैं कनेक्ट करने वाला हूँ एक्सटर्नल माइक। सो सैम्पल रिपोर्ट से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑडियो आउटपुट बेहतरीन है आपके लिए, और क्या आपको इसकी ज़रूरत है, यस और नो, या इनबिल्ट माइक बहुत हो गया आपके लिए। तो ये वीडियो में जो सैम्पल मैं देने वाला हूँ उससे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आप आपका खुद का डिसीज़न ले सकते हो। चलो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है मीडिया मोड, जिसमें आता है डायरेक्शनल माइक, 3.5mm पोर्ट, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट। ये है इसका साइज, जिसमें प्राइसिंग देख सकते हैं 6,900 रुपीज़, और यहाँ पे है लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी। तो अच्छा है, बट ये वाटरप्रूफ नहीं है दोस्तों। ये मीडिया मोड के साथ हम लगा सकते हैं एक्सटर्नल लाइट और डिस्प्ले। तो वी लॉगिंग करना चाहते हो तो डिस्प्ले के लिए एक अलग से प्रोविज़न है, कोल्ड शू माउंट दिया हुआ है जिसमें आप इसको माउंट कर सकते हो और आप वी लॉगिंग कर सकते हो। तो फिलहाल ये जो LCD है ये अवेलेबल नहीं है इंडिया में, और ये लाइट भी मैंने किधर देखी नहीं वैसे, बट अभी ओपन कर लेते हैं फटाफट और देखते हैं। बॉक्स में आता है ये मीडिया मोड, इसको साइड में रख देते हैं। ये है हेलमेट माउंट, तो फिलहाल रख देते हैं, और इसका क्लिप है, और अंदर कुछ बुकलेट्स हैं जो अभी काम पे नहीं आने वाले, तो इसको हम रख देते हैं साइड में, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इस यही ज़रूरत लगेगी। ये है दोस्तों मीडिया मोड। यहाँ पे ये है फ्रंट डायरेक्शनल माइक, उसके बाद यहाँ पे आता है रेयर मतलब बैक माइक, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी HDMI पोर्ट, टाइप सी पोर्ट एंड 3.5mm जैक। इसके साथ हमें मिलते हैं कोल्ड शू माउंट, यहाँ पे एक है जहाँ पे हम LCD लगा सकते हैं, फ्लिप अप LCD, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट येस द प्रोविजन इज़ देयर। माइक भी लगा सकते हैं इधर, यहाँ पे भी एक प्रोविज़न है लाइट लगाने के लिए, यहाँ पे भी आप एडिशनल माइक आपकी जो चॉइस है वो हिसाब से आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है मोड, तो एक्चुअली ये यूज़ करता है GoPro का ही बटन, जस्ट यहाँ पे पुश बटन दिया हुआ है, और दिखने में बहुत स्टर्डी लग रहा है, यू नो प्लास्टिक है, बट द प्लास्टिक क्वालिटी इज़ वेरी प्रीमियम, बहुत दिखने में भी प्रीमियम लग रहा है। चलो तो फिर फटाफट इसको देखते हैं कि GoPro में इसको कैसे माउंट करना है। तो उसके लिए जैसे GoPro 8 में प्रोविजन है, वैसे ही यहाँ पे एक लॉक दिया है, तो हम इसको लॉक ओपन होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है। उसके बाद ये है अपना GoPro Hero 8। तो एज आई सेड देयर इज़ नो प्रोविजन 3.5mm जैक, इसीलिए इतना महंगा खर्चा करना पड़ रहा है, और इसको हम निकाल देंगे। पहले हमें ये एक इसका जो डोर है ये निकालना पड़ेगा, तो ये निकालने के लिए हम जस्ट इसको साइड पुश करेंगे और ये निकल जाएगा। तो इसको मैं फिलहाल रख देता हूँ साइड में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइप सी पोर्ट है, हमें इसको मैच करके GoPro को इसके अंदर पुश करना है। तो हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पुश कर देते हैं, और यहाँ पे इसका लॉक प्रेस कर देते हैं।
सो अभी ये एक बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है इस कैमरे को। वैसे GoPro Hero 8 बहुत छोटा है दिखने में, बट फिर भी ये डालने के बाद इतना बल्कि नहीं लग रहा है। अगर आपको चार्जिंग करना है तो ये केस को बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं, डेटा ट्रांसफ़र करना है तो यू कैन यूज़ दिस टाइप सी पोर्ट, जिससे हम डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और ऑन द गो चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो आपके पास पावर बैंक है तो आप कंटिन्यूस चार्ज भी कर सकते ऑन वर्किंग मोड। जब भी GoPro इन यूज़ है हम एक्सटर्नल बैटरी लगा के चार्ज कर सकते हैं। दिखने में ये लुक कुछ ऐसा आ रहा है दोस्तों, साइड। सो एज आई सेड, ये एक हेलमेट का माउंट आता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हेलमेट में ये माउंट कैसे होता है और कैसे दिखता है, व्यू कैसा है, तो आप इससे देख सकते हो। तो इसका वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। उसके बाद दोस्तों उसको ऑन करते हैं और देखते हैं माइक मोड। तो GoPro हो गया है ऑन, अभी ऑन मोड में है। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं प्रेफरेंस में और यहाँ पे हम जाते हैं इनपुट और आउटपुट में। तो यहाँ पे दिखेगा आपको मीडिया मोड करके दिख रहा है और यहाँ पे हमें सिलेक्शन नहीं मिलता है फ्रंट एंड बैक माइक का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो अपनी जो हमने प्रीसेट्स बना के रखे हैं तो वो प्रीसेट में हमें सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैंने अभी आउटडोर सिलेक्शन किया है, तो आउटडोर में एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आने के बाद सेक्शन है प्रो ट्यून वाला। प्रो ट्यून सेक्शन में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपको फ्रंट माइक यूज़ करना है या बैक माइक यूज़ करना है। तो अभी यहाँ पे सिलेक्शन है फ्रंट माइक का, उसके बाद बैक को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक स्टीरियो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है व्हेन विंड इज़ नॉट फैक्टर एंड यू वांट इंश्योर दैट GoPro रिकॉर्ड इन स्टूडियो। तो ये कुछ सेटिंग करनी पड़ती है अगर हमें स्टीरियो वॉइस कैप्चर करना है। तो अभी तो मैं इसको फ्रंट में ही रख देता हूँ। और यहाँ पे हम शॉर्टकट्स डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो स्क्रीन में हमें क्या दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने लोअर राइट में माइक करके सिलेक्शन करके रखा है सो दैट मुझे यहाँ पे ही ऑप्शन मिल जाएगा कि कैमरा सिलेक्शन का ऑप्शन मुझे यहाँ पे ही मिल जाएगा। जैसे फ्रंट है, बैक है, मैं यहाँ से टॉगल कर सकता हूँ सिलेक्शंस। तो ये बहुत अच्छा फीचर है GoPro की तरफ से, बहुत अच्छे तरीके से। आई मीन दे आर नोन, GoPro इज़ वन ऑफ द रिनाउंड ब्रांड, तो ये सब तो क्वालिटी मिलना ही है। सो ये है दोस्तों बोया का BYMM माइक। तो यहाँ पे कोल्ड शू माउंट में हम इसको लगा सकते हैं लाइक दिस। तो अभी दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये लगाने के बाद इसमें हाइट नहीं है कोल्ड शू माइक में, तो इसका जो फर है डेड कैट है, तो ये डिस्ट्रैक्ट करते रहता है, बीच में फ्रेम में आता है। तो इसके लिए आप कुछ इस तरीके का टूल ले सकते हो जिससे कि आपको हाइट मिल जाएगी आपके बोया माइक के लिए और ये डेड कैट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। और दोस्तों ये जो माइक है 3.5, ये RCC को ही सपोर्ट करता है, RC को ही सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दो पिन है, ऐसी ही पिन आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अभी हम इसको माउंट कर देते हैं GoPro स्टिक के ऊपर लाइक दिस। फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही मतलब आप व्लॉगिंग के लिए इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो अगर ये मीडिया मोड लेना है नहीं लेना है तो उसके लिए मैंने कुछ सैम्पल्स लिए हैं आउटडोर में, ट्रैफिक सिचुएशन में जहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा होता है। यूजुअली हम व्लॉगिंग बाहर ही करते हैं, इंडोर में तो व्लॉगिंग करते नहीं ज़्यादा। तो जब हम बाहर जाते हैं और फुटेज कैप्चर करते हैं तो वॉइस कैसे कैप्चर होती है, इसके मैं सैम्पल फुटेज ले रहा हूँ तो आपको उससे अंदाज़ा आ जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। या फ्रेंड्स मैं अभी आउटडोर में आया हूँ और आउटडोर में ही पता चलेगा कि मीडिया मोड का जो माइक है उसका आउटपुट कैसा है। तो अभी मैं बाहर आया हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आप
यहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ है बिकॉज यहाँ पे हाईवे है बाजू में, और इससे पता चलेगा कि वॉइस कैसा आ रहा है, नॉइज़ कितना कैप्चर कर पा रहा है ये मीडिया मोड, और इसका परफॉर्मेंस कैसा। तो अभी जो वॉइस सुन रहे हो वो आ रहा है मीडिया मोड से। तो फ्रेंड्स अभी जो आप वॉइस सुन पा रहे हो ये है बोया के BYMM1 से, इसमें इसको मैंने कनेक्ट किया है मीडिया मोड में। अभी आप वॉइस सुन पा रहे होगे, सेम जगह पे हूँ, अभी देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ट्रैफिक भी है, तो आप जज कर सकते हो कि वॉइस क्वालिटी कैसे आती है जब हम कनेक्ट करते हैं इस पे बोया का BYMM1। दोस्तों मैं अभी वही जगह पे हूँ, मैं हाईवे के बाजू में हूँ, आप देख सकते हो। अभी जो आप वॉइस सुन पा रहे हो ये GoPro के इनबिल्ट माइक से आ रही है, तो आप समझ पाओगे कि इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है। अगर आप नॉर्मली व्लॉगिंग करते हो तो शायद आपको एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत ना पड़े, क्वाइट प्लेसेस में करते हो तो ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको एडिशनल माइक लगेगा, माइक अडाप्टर लेना पड़ेगा या मीडिया मोड लेना पड़ेगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको मीडिया मोड लेना चाहिए या आपको लेना चाहिए माइक अडाप्टर फॉर व्लॉगिंग, तो आप कमेंट कीजिए। और आपको स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिए, विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो अभी जो वॉइस सुन पा रहे हो दोस्तों ये है डायरेक्टली फ्रॉम GoPro इनबिल्ट माइक। आप बता दीजिए कि कैसा है, कैसा वॉइस आ रहा है क्लियरिटी, अभी तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वॉइस कैसा आ रहा है, बट मे बी आप अच्छे से जज कर पाओगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और पैनल तक किए देखो। अगर कुछ सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अंटिल वी मीट अगेन।